अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वी वर स्टडिंग एलिमेंट्री नंबर थ्री और इसमें जो है हमने नेक्स्ट फर्दर अपना डिस्कस करना है। जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने अपने जो टास्क थे वो देखे थे और आपने जो है वो देखा नंबर थ्री को इंटीजर्स के साथ किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर जो है सिंपल रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स की बात हो रही है कि इंटीजर्स में आपने जो है वो किस तरह से नंबर्स को रिप्रेजेंट करना। टू इंटीजर्स ए एंड बी आर रिलेटिवली प्राइम। प्राइम जो है वो कब होंगे? इफ़ देयर जी सी डी इज इक्वल्स टू वन, यानी उनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो है अगर वन होता है तो आपके वो नंबर्स, वो दो नंबर्स जो हैं वो आपके रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स होंगे। लाइक 15 एंड 28 ये जो है रिलेटिवली प्राइम है। अगर आप इनको डिवाइड करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 15 को डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो आपका जो 15 वाला है 5 एंड 3, 3 एंड 1, यानी ये जो है पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है और आपका आंसर जो है वो 1 आ रहा है। सिमिलरली जब आप 28 के साथ करेंगे तो 28 वाला जो है उसी को हम करके देख लेते हैं। दिस इज़ द 28, सो 2 एंड 1 एंड 2, 4, नेक्स्ट इज 2, 7, नेक्स्ट इज 2 एंड 3, सॉरी 7 एंड 1, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये भी आपका पूरा एक डिवाइड हो रहा है, सो ये नंबर्स जो है रिलेटिवली प्राइम है। सिमिलरली 55 एंड 28 आर रिलेटिवली प्राइम एंड 35 एंड 28 आर नॉट रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, ठीक है, क्योंकि इनका जो है वो आंसर ये 7 आ रहा है अगर हम इसको डिवाइड करके देखें। सो इनकी डेफिनेशन जो है वो क्या है कि द इंटीजर्स ए एंड पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम जो है कब होंगे, यानी हमने कोई भी हमें सेट ऑफ इंटीजर्स गिवन हो और हमने उनमें से दो नंबर्स को ऐसे पिक करने हैं जो रिलेटिवली प्राइम हो, तो वो तब होंगे जब वन इज लेस एन इक्वल्स टू आई एंड लेस देन जे एंड लेस एन इक्वल्स टू एन, ठीक है। सिंपली वी कैन से दैट पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम कंटेन्स द नंबर्स ऑफ लिस्ट ए बी सी एंड डी एंड दे आर सेट टू बी पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम इफ any two distinct numbers in the list are relatively prime, यानी पूरी लिस्ट जो है and there are only two numbers among the list which are relatively prime and their GCD is equals to one, then these numbers are said to be pairwise relatively prime numbers. For example 15, 17 and 27 are pairwise relatively prime or not? No, because a GCD of 15 and 27 is equals to 3. And what about 17? तो इस तरह से जो है वो कंडीशन जिसमें आपके एक जो पेयर है, एक एलिमेंट जो है वो जीसीडी प्रोवाइड नहीं कर रहा रिलेटिवली इक्वल, तो फिर हम उसको जो है वो कंपेयर नहीं कर सकते। अगर हम 17 को देखें तो हम 17 का जो है वो किस तरह से करेंगे, क्योंकि ये तो एक ऐसा प्राइम नंबर है जिसका कोई भी दूसरा मल्टीपल नहीं है, कोई भी दूसरा फैक्टर नहीं है, जस्ट ये अपने ऊपर डिवाइड होता है। सो हम जो है बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन हम इसको 27 के साथ पेयर अप नहीं कर सकते, लाइक 3 एंड 9, ठीक है, एंड हेयर इज 3 एंड 3 एंड हेयर इज 3 एंड 1। सो ये जो है फुलफिल हो रहा है, लेकिन इसमें जो है इसी तरह 15 जो है वो भी 3 और 5 पर पूरा कंप्लीट होता है, लेकिन यहाँ पर जो है ये नंबर ये किसी और पे नहीं जा रहा एक्सेप्ट इट्सेल्फ, सो हम इसका जो है वो पेयर नहीं बना सकते इनके साथ, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो है 15, 17 एंड 28 आर रिलेटिवली प्राइम। यस 15 एंड 17 आर रिलेटिवली प्राइम, ठीक है, 15 और 17 तो प्राइम है, बट 17 एंड 27 वर नॉट प्राइम, सो देयर जी सी डी इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ पर तीनों पेयर्स का जी सी डी जो है वो 1 आ रहा है, सो हम कहेंगे कि दे आर पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम। नेक्स्ट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। The least common multiples of positive integers a and b is the smallest positive integer that is divisible by both a and b. We denote the least common multiples of a and b by LCM. ठीक है, हम इसको LCM बोलते हैं। LCM is the least common multiples and we have to look around the smallest positive integer that can be divisible by the integer given to us. Like 3 and 7. Here is the least common multiple is 21. 4 and 6 least common multiple 12, 5 and 10 least common multiple 10.
Next is the using prime factorization, how to compute least numbers using prime factorization. Here is number A, which is equals to P1 naught and P2 naught 2 plus Pn power n, and here is 0. And there is number B, so on. P1 less than P2 less than so on Pn, and A and B belongs to set of natural numbers. LCM of A and B would be equals to maximum of A1, A and B1, maximum of A2 and B2, and maximum of A3 and B3. Here is the powers. So if we compute 60 is equals to 2 power 2, 3 power 1, 5 power 1. And B is equals to 54, 2 power 1, 3 power 3, 5 power 0. So we have to compute the maximums. And in case of LCM, least common multiples 2 power 2, 3 power 3, and 5 power 1 is equals to, and we will multiply it like 2 power 2, 4, 3 power 3, 27, 5 power 1, 5. And the whole of this is 540. यहाँ पर जो मैं आपको इसमें मज़ीद एक बता देती हूँ कि हमने किस तरह से इसको कंप्यूट करना है. इन केस ऑफ 60 हम जब इसका एलसीएम लेते हैं तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर जो है वो 30 आ रहा है, ठीक है. और नेक्स्ट अब आपके पास जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 एंड 50. एंड नेक्स्ट इज़ यहाँ पर 15 जो है ये 2 के ऊपर मज़ीद नहीं जाता. आपने 3 का टेबल स्टार्ट करना है, 3 5 मल्टीपल ऑफ 5 देन 5 1. इस तरह से जो है वो आप अपना कंप्यूट करें. सो ये जो है यहाँ पर आप इसको पावर में लिखें, 2 पावर 2, 3 पावर 1 एंड हेयर इज़ 5 पावर 1. सो 2 पावर 2, 3 पावर 1 एंड 5 पावर 1, ये यहाँ पर आपने जो है वो कंप्यूट कर लिया. नेक्स्ट जो है वो हम इसको 54 का देखते हैं कि 54 का जो है वो किस तरह से फाइंड आउट करना है. सो इट्स 54 27. सो 27 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, वी विल कंटिन्यू विथ 3. 3 9, 3 3 3 1. So 2 power 1 and 3 power 3. So in this 5 power is 0, we are not using 5, so 5 power is 0, and we will calculate the maximums. We will calculate the maximums. हमने मैक्सिमम वैल्यूज़ जो हैं वो जस्ट लेनी है, उनके जो पावर्स हैं उनको आपस में हमने खोलना है और उसके बाद उनको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा. मल्टीप्लिकेशन के बाद आपका आंसर जो है वो 540 आया. नेक्स्ट इज मॉडुलर अरिथमेटिक. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉड्स. मॉड जो है वो कन्फ्यूजिंग है. एक मॉड फंक्शन जो है वो करता है इनपुट नंबर ए and base b, outputs a mod b, a number between 0 and b minus 1 inclusive. This is the remainder of a divisible by 3. यानी एक mod जो है वो division का operation perform करता है, ठीक है. Similar to java operator, this is called the percentage जो है java operator में, ये भी mod का operation जो है वो find करता है. दूसरा है mod congruence. Relates two numbers a and a bar to each other relative to some base. ठीक है, यानी इसमें जो है ये रिलेटिव जो है हमने कंपेयर जो है वो करना होता है नंबर्स को, और इसको हम लिखते हैं ए इज़ इक्वलेंट टू ए बार मॉड बी. मींस ए एंड ए बार हैव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय बी. यानी कोई भी नंबर ए और कोई भी नंबर ए बार, अगर हम उसको डिवाइड करेंगे बी से तो रिमाइंडर हमेशा सेम आएगा, ठीक है जी. तो यानी हमारा जो है कोई भी नंबर ये हो सकता है, उसको हम जब भी डिवाइड करेंगे तो वो रिमाइंडर हमेशा सेम देगा. तो ये जो दो मॉड के फंक्शन हैं वो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं अपने नंबर थ्योरी के लिए. मॉडुलर अरिथमेटिक में सबसे पहले हम जो है पहला मॉड का फंक्शन देखेंगे. लेट ए एंड बी इंटीजर एंड बी विद द पॉजिटिव इंटीजर. वी डिनोट बाय मॉड एम द रिमाइंडर एंड व्हेन ए इज डिवाइडेड बाय एम. सो 9 मॉड 4 इज इक्वल्स टू 1. हमने जो है वो सिंपल इसमें डिवीजन का ऑपरेशन
परफॉर्म करना है. सो 9 mod 4 रिमाइंडर इज 1. ठीक है, यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो आपने लिख देना है, रिमाइंडर इज 1. 9 mod 3 वी विल कैलकुलेट 9 mod 3 रिमाइंडर इज 0. सो वी विल राइट 0 हियर. सिमिलरली वी विल कंप्यूट 9 mod 10 एंड -13 mod 14. एक ऑपरेशन जो है मॉड का वो ये है कि इट निगेट्स द नेगेटिव, यानी नेगेटिव साइन को ये नेगेटिव कर देगा, और जब हम नेगेटिव को नेगेटिव करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाता है. मतलब जब भी आपको इन सिंपल वर्ड्स कोई भी ऐसा इंटीजर, कोई भी ऐसी वैल्यू गिवन हो विच बेयर्स अ नेगेटिव साइन विद इट, द मॉड फंक्शन विल कन्वर्ट दैट साइन टू द पॉजिटिव. हमेशा मॉड ने जो है वो पॉजिटिव आंसर आपको प्रोवाइड करना है. Congruences जो है वो क्या है, लेट ए एंड बी बी द इंटीजर्स एंड एम बी अ पॉजिटिव इंटीजर. वी से डैट ए इज कॉन्ग्रेंट टू बी मॉडुलस एम इफ़ एम डिवाइड्स ए एंड बी. सो एम कोई ऐसा नंबर है जिसके साथ अगर हम ए को डिवाइड करें और जिसके साथ अगर हम बी को डिवाइड करें, हमारा आंसर हमेशा सेम होगा. तो ये नोटेशन जो है ये जो है कहलाती है कॉन्ग्रेंस, यानी कॉन्ग्रेंट मॉडुलस जो है इसको हम बोलते हैं. तो इफ़ एंड ओनली a mod m is equals to b mod m, यानी a को हम डिवाइड करें m के साथ या b को हम डिवाइड करें m के साथ, हमारा आंसर जो है वो हमेशा सेम होगा. तो अब इसमें जो है हम डिवीजन ऑपरेशन इसका करके देख सकते हैं कि 46 को और 68 को अगर हम डिवाइड करें तो क्या हमारा आंसर जो है वो सेम आता है. तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि येस बिकॉज 11 इज डिविजिबल बाय 46 माइनस 68. आप इसमें से जो है वो सिंपल अगर माइनस करें, ये वाली टर्म अगर आप इधर लेकर जाएं तो इसका जो आंसर आएगा वो डिविजिबल बाय होगा 11. सिमिलरली आपका 46 डिविजिबल बाय 8 मॉडुलस 22, अगर 11 से है तो ऑब्वियसली वो 22 से होगा बिकॉज दीज टू नंबर्स आर इवन. सो इसको अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो पॉजिटिव होगा. यहाँ आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू जो है वो एक स्मॉलर वैल्यू है और ये वैल्यू जो है वो एक लार्जर वैल्यू है. इनको अगर हम माइनस करेंगे तो इसका आंसर क्या आता है, इट विल बेयर आंसर. यहाँ से अगर हम एक कैरी करते हैं, 16 में से 8 माइनस करेंगे, इट विल बी 8 एंड वी विल हैव हेयर ओनली 3. ठीक है, तो 3 में से आपका जो है वो क्या माइनस कर रहे हैं हम, 6, तो ऑब्वियसली वो माइनस 3 होगा. लेकिन हम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं मॉड का, तो मॉड का फंक्शन जो है वो हमेशा जहाँ भी यूज़ होगा वो नेगेटिव को पॉजिटिव जो है उसमें कन्वर्ट कर देगा. ठीक है, नेगेटिव को जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा. सो इसमें जो है वो हम सिंपल लिख सकते हैं. अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट बात हो रही है, यहाँ पर भी आपने सिंपल ऐसे ही करना है कि पॉजिटिव के साथ उसको लेके डील करना है. For which integer z, it is true that z is equals to 12 mod 10. It is true for only z belongs to minus 28, minus 18, minus 8, 2, 12, 22 and 32. तो अगर हम ये numbers use करेंगे, यानी यहाँ पर हम ये numbers put करेंगे, तो ये divisible by 10 हो सकते हैं. और यहाँ पर नीचे आपको एक theorem given है, let m be a positive integer. The integers a and b are congruent modulus m if and only if there are integers such that a is equals to b plus km. यानी हम कोई भी ऐसा नंबर जो है वो लेते हैं और उसको हम डिवाइड करते हैं ऑन दी बोथ साइड्स, अगर आंसर हमारा सेम आता है तो इट्स मीन दे आर congruent modulus टू ईच अदर. नेक्स्ट इज यूक्लिडियन एल्गोरिथम. Euclidean algorithm finds the greatest common divisor, GCD find करना होता है of any two numbers a and b. ठीक है जी, ये भी एक GCD जो है उसकी टेक्निक है. और इसमें एग्जाम्पल है कि if we want to find the GCD of 287 and 91, we will divide 287 by 91, it's obvious. So 287 is equals to, यहाँ पर division के बाद जो है ये quotient और remainder plus divisor, quotient into remainder plus divisor जो है वो आपका यहाँ पर आ रहा है, जो हमने इक्वेन प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया. अकॉर्डिंग टू दिस वी नो डैट फॉर इंटीजर्स ए बी एंड सी, इफ ए और बी
यानी ए डिविजिबल बाई बी एंड ए इज डिविजिबल बाई सी, देन ए इज डिविजिबल बाई बी प्लस सी. दिस एल्गोरिथम वी हैव ऑल्सो प्रूव इन द प्रीवियस लेक्चर. सो देयर फॉर एनी डिविजिबल एनी डिवाइजर ऑफ ए एंड बी मस्ट ऑल्सो बी अ डिवाइजर ऑफ सी. और अगर हम उसको बी और सी को भी प्लस कर लेते हैं तो ये आपको इस एग्जाम्पल के साथ जो है वो प्रूव करके बता दिया गया है कि ये थ्योरम जो है वो करेक्ट है. इस पे जो है एक और हम देखते हैं, प्रीवियसली जो है हमने जी सी डी 287 एंड 91 एंड जी इज इक्वल टू जी सी डी 14 एंड 91, इसको हम प्रूव करके देखते हैं कि क्या ये वाकई इक्वल है या नहीं. इन द नेक्स्ट स्टेप्स वी डिवाइड 91 बाय 14. हम 91 और 14 को डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 16 और ये 6 प्लस 7 आता है, जबकि हमने प्रीवियस किया था वो 91 प्लस 3 प्लस 14 आ रहा था. तो अगर हम इसको मज़ीद जो है वो करेंगे तो इसका मतलब है कि जी सी डी जो है 14, 91 का वो जी सी डी 14 और 7 के इक्वल आ रहा है. 17 को हम डिवाइड करते हैं तो आपका 7 एंड 2 प्लस 0 आ रहा है. सो वी फाइंड दैट 7 और 14 एंड 10 द जी सी डी ऑफ 14 एंड 7 इज इक्वल टू 7. और ये जो है वो हम सिंपल इसको जैसे डिवाइड करते हैं, आपने इसको डिवाइड करना है 14 को 7 के साथ. सो इट्स रिमाइंडर इज 0, ठीक है. एंड दिस इज डिवाइजर, दिस इज कोशेंट, एंड डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस डिवाइडेंड प्लस 0, ये जो है ये आपने क्वेश्चन के मुताबिक इसको लिखना है. इसी तरह से जब आप 91 को करेंगे, 91 को आप कर रहे हैं बाय 14, तो इसमें जो है हमने अकॉर्डिंग टू द टेबल इसको डिवीजन जो है इसकी हमने करनी है. तो हम जो है इसको पहले अपना उसके करके देख लेते हैं. इट्स 91, सो हम इसको जो है वो सिंपल इसके 6 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें, जैसे कि हमें यहाँ इक्वेशन के अंदर गिवन है, तो हमने उसके मुताबिक जो है वो इसको डील करना है. सो हमारा जो है 14 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 6 के साथ तो इट वुड गिव अस 84. तो यहाँ पर जो है वो 84 हमारे पास आ जाएगा एंड द रिमाइंडर वुड बी 7. सो हमने जो है इस तरह से इसको मेंशन आउट कर देना है कि 14 इंटू 6, यहाँ पर 6 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया और प्लस 7. तो ये जो है वो हमने प्रूव इसका कर दिया कि 7 जो है वो हमारा रिमाइंडर आया है और ये जो है वो दोनों के अंदर मतलब एक कॉमन चीज़ है. नेक्स्ट हमारा यूक्लिडियन एल्गोरिथम है. इन द सूडो कोड एल्गोरिथम कैन बी इम्प्लीमेंटेड एज फॉलो. प्रोसीजर क्या है कि जी सी डी हमने दो नंबर्स का लेना है विच वुड बी द पॉजिटिव इंटीजर्स. इफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एंड वाई इज इक्वल्स टू बी, वाइल कंडीशन हमने लगानी है वाई इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, बिगेन आर इज इक्वल्स टू एक्स मॉड वाई. हमने एक्स मॉड वाई जो है वो कम्प्यूट करना है. एक्स इज इक्वल्स टू वाई एंड वाई इज इक्वल्स टू आर. अगर एक्स की वैल्यू वाई के इक्वल आ जाती है तो हमने y की वैल्यू जो है वो ऑब्वियसली r को असाइन करनी है, जो हमने प्रीवियस एल्गोरिथम प्रीवियस थ्योरम डिस्कस किया है ये उसके अकॉर्डिंग है. एंड देन हमने अपना एल्गोरिथम जो है वो एंड कर देना है. नेक्स्ट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स. आपने इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कैसे करना है, इसको हम जो है वो अपने एक एग्जांपल के साथ देखते हैं. आपको यहाँ पे बाइनरी नंबर जो है वो गिवन है. एक चीज़ आपने देखनी है कि जब आपने स्मॉलर बेस में से लार्जर बेस में जाना है तो आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है. आपने जब स्मॉलेस्ट यानी 2 में से आप मूव कर रहे हैं 10 की तरफ तो आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है. और अगर आप जो 10 से मूव करेंगे 2 की तरफ यानी आपने लार्जर से स्मॉलर की तरफ जाना है तो आपने डिवीजन करनी है और वैसे आपने जो है वो मल्टीप्लिकेशन करनी है. तो इसमें जो है वो हम देखते हैं ये 1 into 0, 1, 0, 1, 1 and 0. हमने इस तरह से जो है ये अपना बाइनरी नंबर लिख लिया और इसको हमने बिट्स के अकॉर्डिंग डील करना है. इसकी बेस 2 है तो हमने इसको बेस के साथ मल्टीप्लाई करके और इनको आपस में ऐड अप कर लेना है. हमने ये तमाम नंबर्स जो हैं ये मल्टीप्लाई कर देने हैं विद बेस एंड देन वी विल ऐड ऑल दीज नंबर्स. वी हैव टू असाइन द बिट्स. वी विल स्टार्ट फ्रॉम द राइट मोस्ट. We will assign 0, we will assign 1, 2, 3 and 4. So the 0 bits will be considered 0.
आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर दें इसका आंसर हमेशा ज़ीरो होगा, यहाँ पर आप कुछ भी मल्टीप्लाई करें आपका आंसर हमेशा ज़ीरो होगा, ठीक है। तो इसमें जो है ये आपने इसीलिए यहाँ पर इनको लिखा नहीं गया कि आंसर इसका ज़ीरो होगा, जस्ट वो बिट्स लिखी गई हैं जो हमने कंसीडर करनी है। सो आपने इनको इनकी पावर्स ओपन करनी है और आपने अपना आंसर जो है इन सिंपल डेसिमल, आपने डेसिमल नंबर में लिख देना है। 10 बेस 10 जो होता है वो आपका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। इसी तरह से ये हेक्साडेसिमल नंबर है B=16, इसको आपने एक्सपैंड करना है इनटू द डेसिमल। तो हम लेटर्स यूज़ करते हैं आफ्टर 9, 10 के 10 से 16 तक के लिए A to F, ठीक है, फ्रॉम 10 to 15। तो 3A0FB16, तो हमने यहाँ पे ये एक नंबर गिवन है, A जो है हमारा 10 होता है, O जो है हमारा ये 0 ही होता है, एंड F जो है वो हमारा 15 को रिप्रेजेंट करता है। बाकी तमाम नंबर्स हमने जो हैं वो वैसे ही लिख दिए, और जो 0 वाली है वो टर्म हमने निगलेक्ट कर दी, उनका उसका आंसर 0 ही होगा, और उसको हमने पावर जो है वो असाइन कर दी है अकॉर्डिंग टू द बिट फॉर्मूला, यानी इस तरह से राइट मोस्ट बिट्स आपने असाइन करनी है, उसके मुताबिक आपने जो है वो देनी है। यहाँ पर हमने देखा है कि ये वाली जो बिट है 1 वाली वो हमने ओमिट कर दी है, और बाकी बिट्स जो है हमने असाइन करके अपना आंसर जो है वो डिटर्मिन कर लिया। तो इस तरह से हम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर्स को इन बाइनरी एक्सपेंशन और हेक्साडेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट आपका जो है एक ये रिप्रेजेंटेशन है जो मैंने आपको बताया है कि आपने बेस 8 की एक्सपेंशन जो है वो बतानी है, और आपको बेस 10 में गिवन है। अब आपने जो है वो बिगर से स्मॉलर में जा रहे हैं आप, तो इस मीन्स आपने जो है वो डिवीजन करनी है। अब आप इसको डिवीजन जो है वो परफॉर्म करते हैं 1, 2, 3, 4 and 5 फॉर एग्ज़ाम्पल, और इसको आपने 8 से जो है वो डिवाइड करना है, ठीक है जी। ये 8 जो है आपका, उसमें आपने इसको डिवाइड करना है। अब इसको हम नंबर्स को लिखेंगे कैसे, सबसे पहले हम डिवीजन जो है परफॉर्म करते हैं 8, 1, 8, सो रिमाइंडर इज़ 4 एंड वी विल राइट हेयर 1, ठीक है। ये 1 जो है ये आपका यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है, और इसमें जैसे हम डिवीजन का प्रोसेस करते हैं हमने जस्ट वैसे ही जो है वो इसको करना है। अब हम नेक्स्ट अपनी जो है वो किस तरीके से इसकी लिखेंगे, हम उसके लिए इट्स द बेटर ऑप्शन टू यूज़ द LCM अप्रोच। हम LCM अप्रोच जो है वो उसके साथ इसको जो है वो लेके चलेंगे। 1, 2, 3, 4 and 5 ये नंबर है जो हमारा बेस 10 में गिवन था, और 8 से जो है हमने फर्दर मूव करना है। सो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इट्स 1 एंड 8, 12 में से जो है आप 8 माइनस कर देंगे तो आपके पास 4 कैरी जो है वो इधर हो जाएगा। इट विल कैरी 4, 4 विल बी कैरी टू द हेयर एंड इट विल बिकम्स 34। सो वी विल डिवाइड 34 विद द 8 एंड वी विल गेट 4, वी विल गेट 2 हेयर, 3 and 5 here, which is not divisible by this. So हमने जो है इसको सिंपल एक डिवीजन फॉर्मूला जो है इसका वो परफॉर्म करना है, LCM जो है हमने इसका लेना है, और इसमें आप देखेंगे कि आपका जो नंबर आ रहा है 1, 5, 4 and 3 आपने उसके मुताबिक जो है इसको लेकर चलना है। ये वही इक्वेशन है जैसे आपने क्वेश्चन रिमाइंडर और डिवाइडेंड जो है वो लिखा होता था, एक का जो क्वेश्चेंट है वो आप दूसरे का डिवाइडेंड बनाते थे, सिंपल जो है आपने यहाँ पर भी वही प्रोसीजर करना है, ठीक है जी। तो इसमें जो है आपका सिंपल प्रोसीजर वही होगा, और इसमें हम देखते हैं इसको मज़ीद कि आपका पहला नंबर जो है वो किस तरह से आपने यहाँ पर डिनोट करना है। जी, तो हम जो है वो इसको मज़ीद करते हैं, पहले जो था एक मिस्टेक थी यहाँ पर, मैंने उसकी जो है डिवीजन वो गलत की थी। अब 8 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 8 into 1 8 and 12 minus 8 is 4, सो वी कैरी 4 हेयर, इट बिकम्स 43। 8 into 5 40 and 43 minus 40 रिमाइंडर इज 3, it becomes 34
8 into 4, 32. Remainder is 2 and it is 25. 8 into 3, 24. Remainder is 1. So you can see here 8 multiple of 1, 5, 4 and 3. 1, 5, 4 and 3 with remainder 1. Let's move towards second division. 8 into 1, 8. 7 carries, 74. 8 into 9, 63. 63, 74 minus 63. 74 minus 63. It will give 11. And we will move to remainder will be 7. So here is 190, 2 and 7. Here is 23 and 82, 24, 82 is a 16 and 16 minus, 23 minus 16 and 7 is remainder. We'll move towards next division. 8 into 2, 16. 8 into 3, 16. 19 minus 16 would be 3, so we, 3 would be carried here. And 32, 8 into 4, 32, remainder is 0. 8 into 3, 24, remainder is 0. So here we will count in the pattern like this. Okay, 30071 from bottom to top. 30071 remainder base 8. So it's the base expansion of integers. Next is the addition of integers. How will we add integers? There is a concept of sum bits and carry bits. Sum bits are those which we add and give the answer, and carry bits are those which will be the greater bits. One will be considered as the sum bit and the next will be considered as the carry bit. Hum jo hai continue karte hai from an example. Example is 2 plus 110 and 1011. 1110 and 1011. It's the same. 0 plus 1 is 1. 0 plus 1 is 1. So sum bit is 1 and there is carry bit 0. 1 plus 1 is 2. And in binary, 2 is written as 10. So we will write 0 there and we will carry 1 there. This is the sum bit which is 0 and this is the carry bit which is 1. 1 plus 0 is 1 and 1 plus 1 is again 2. This is 0 and this is 1. Again 0 is the sum bit and 1 is the carry bit. 1 plus 1 is 2 which is 10. And 10 plus 1 is 11, which is 3. So we will write 11 here. So answer is 11001. This is the addition of integers. So how do we humans add integers? And this is how the computers add numbers. This is the same as carry bit. And this is the same as carry bit. So यहाँ पर जो है हमने जैसे सिंपल प्लस करते हैं, हम कैरीज करते हैं बाइनरी में, हमने उन्हीं नंबर्स के साथ जो है वो 10 के फॉर्म में, क्योंकि कंप्यूटर डील कर रहा होता है तो इस तरह से हम कंप्यूटर की जो है फॉर्म में ही नंबर्स को प्लस करते हैं. सो हियर आवर लेक्चर एंड्स. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन
then you can ask thank you so much.